पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्मार्ट क्लासरूम का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। यहां पहुंचने पर छात्राओं द्वारा शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत 17 स्कूलों को चुना गया है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार से मिलने वाले फंड में से 50 लाख रुपए विधानसभा अध्यक्ष ने इस कार्य पर खर्च किए हैं। शिक्षा विभाग ने भी 127 करोड़ रुपए का इस प्रकार का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और विधायक के साथ गांव के सरपंच अगर इस कार्य को करेंगे तो इसके परिणाम और अच्छे मिलेंगे। हम इसे अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो सबसे गरीब तबका सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये स्मार्ट एजुकेशन अच्छे परिणाम सामने लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि जो 136 राज्य के स्कूलों को संस्कृति मॉडल की मंजूरी मिली है, उनमें से 125 को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है और बाकी को भी सीबीएसई के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यहां पर 4 से 5 स्टार्टअप आए थे और इसका काम डीईओ को दिया गया था। डीईओ ने इस प्रोजेक्ट को पारदर्शिता के साथ इस कार्य को किया और निश्चित तौर पर इसके परिणाम अच्छे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 1 करोड़ रुपए इस विधानसभा में इसी प्रकार के कार्य के लिए और खर्च किए जाएंगे। देखिए, इस सब के लिए मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। हमें कुछ डिस्कशनिंग फंड मिलता है, उसमें से माननीय अध्यक्ष जी ने 50 लाख रुपए इसी कार्य के लिए खर्च किए। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए उन्होंने 17 स्कूलों को चुना है और 17 स्कूलों में इस प्रकार की सुविधा उन्होंने अपने तौर पर शुरुआत की है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा विजन है ये, और आज शुरुआत तो अध्यक्ष जी ने की और ये अच्छी बात भी है कि अध्यक्ष जी शुरुआत करें, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं समझता हूँ कि और भी जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी इसकी तरफ ध्यान देंगे और अगर सब मिलके करेंगे तो निश्चित तौर से इसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। जैसे अभी सारा कुछ दिखाया भी गया और अध्यक्ष जी ने पीने के पानी के लिए आरओ लगवाना वहाँ पे, और इसी प्रकार से जो शौचालय वगैरह हैं उनको ठीक कराना। तो ये कुछ ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, उसको उन्होंने शुरू किया, तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा करिए। इंडिविजुअली विधायक लेवल पर आपने कहा कि बाकी विधायक भी इंप्लीमेंट करें, शिक्षा विभाग की तरफ से पूरे ऑल ओवर हरियाणा में प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने भी 127 करोड़ रुपए का इस प्रकार का कार्य शुरू किया और स्मार्ट क्लासरूम बनाने लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लीजिए केवल विभाग ही करेगा तो काम उस काम करने में, और अगर सब इंटरेस्ट लेके काम करेंगे उस काम करने में, विधायक इंटरेस्ट लेगा और विधायक के साथ फिर अगर गांव का सरपंच भी इंटरेस्ट लेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसके रिजल्ट कई गुना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे रिजल्ट उसके। अगर सबका इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ेगा तो उसके जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। अगर केवल भी बात करेगा उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से, जैसे मैंने आज ही देखा तो अब मैंने भी इनसे पूछ लिया कि कहाँ कहाँ कैसे है, मैं भी सोच रहा कि मैं भी इसको शुरू करूंगा। तो और भी हम जो हमारे मंत्री हैं उनको दिखाएंगे, जो विधायक हैं उनको भी दिखाएंगे, ताकि सब लोग इंटरेस्ट लें। विभाग तो अपना काम करेगा ही, विभाग का तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो काम शुरू कर रहा है, लेकिन उसी काम में हम भी सहयोग करके और उसकी तरफ ध्यान दें। और मैं समझता हूँ एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, और सबसे बड़ा एक है कि जो हमारा सबसे गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद तबका है, वो सारा हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें है। तो वहाँ अगर हम काम करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे। नहीं नहीं, सारे लोग कर सकते हैं। देखिए, जब जैसे आज ये शुरू किया तो भी मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि कुछ कंपनियां भी इसमें कर सकते हैं, वो अपने आप इंटरेस्ट ले रही इस प्रकार से, तो थोड़ा हम भी उनको प्रोत्साहन देंगे, हम करेंगे तो फिर उनको भी प्रोत्साहन देंगे, उनको भी साथ लेके आएंगे तो उनसे भी मिलेगा हमें। और हमारे यहाँ तो कई पंचायतें भी ऐसी हैं जो अपने लेवल पर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने अपने पास से पैसे भी इकट्ठे किया और सारा कुछ कर रहे हैं। तो जैसे समाज सारा इसमें इंटरेस्ट लेगा तो अच्छे परिणाम होंगे। स्कूलों से जुड़ा एक सवाल है कि अम्बाला में जिस तरह से सीबीएसई से एफिलिएट करके कुछ हरियाणा जो स्कूल हैं उनको सीबीएसई से एफिलिएटेड करा दिया गया है, कितने और स्कूल पाइपलाइन में हैं जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से सीबीएसई से एफिलिएट हो? नहीं, जो संस्कृति मॉडल स्कूल हमारे हैं, जो हमने 136 स्कूल किए थे, उनसे 125 स्कूल जो है हमारे, उनकी मान्यता मैंने मिलेगी सीबीएसई से, तो वो सीबीएसई से एफिलेटेड हमने किए हैं और आने वाले टाइम में हमारा और स्कूल हम खोल लेंगे तो वो भी सीबीएसई से। स्पीकर साहब, आपने एक शुरुआत की है और 17 स्कूल आपने चिन्हित किए हैं, किस तरह से इस मॉडल को देखते हैं और खुद जैसे मंत्री जी भी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी, कि स्पीकर साहब ने शुरुआत की है बाकी लोग भी फॉलो करें? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ
कि उन्होंने एक ऐसे कदम की शुरुआत की है जिसका मैंने लगभग 6 महीने पहले मन के अंदर एक धारणा थी कि बच्चों को आज डिजिटल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। विशेष तौर पर गांवों के अंदर जो हमारे बच्चे हैं और फिर वो सब सरकारी स्कूलों के अंदर जो डिजिटल जो सुविधाएं हैं वो ना वहाँ पर नहीं हैं। तो जितने मेरी विधानसभा के 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे उन सभी स्कूल के अंदर हमने ये स्मार्ट क्लासरूम दिए हैं जिससे बच्चे जो हैं अच्छे ढंग से डिजिटल एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट भी जो है जैसे टीवी देख करके सीखने का आता है, बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा कि टीवी देखते देखते वो एजुकेशन भी लर्न कर जाएंगे। और मैं समझता हूँ इसके साथ जो मैंने कहा है कि एक सभी जो स्कूल हैं 17 इनमें पीने के पानी की आरओ से पीने का पानी मिले और टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था हो, तो इस चीज़ को लेकर मैंने 50 लाख रुपए अपने डिस्क्रिशनरी फंड से दिए थे ताकि एजुकेशन के स्तर में कुछ हमारा भी योगदान हो सके। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, उसकी ओर हम अपने सभी जो बच्चे हैं खास तौर पर सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। आपने अभी बात की आत्मनिर्भर भारत की, तो ये क्या किसी स्टार्टअप के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 4-5 स्टार्टअप्स आए थे जो मैंने डीओ मैडम से कहा था कि जो भी आपको बेस्ट लगे उसको चूज़ करके उनको ये काम करने के होते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पारदर्शी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लिया है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का हमने जो शुरुआत की है इसके और अच्छे आगे परिणाम आएंगे, और इस साल के अंदर जो आने वाला साल है 1 करोड़ रुपये और एजुकेशन के लिए मेरी विधानसभा के अंदर जो जो भी ज़रूरत होगी वो हम इसके ऊपर खर्च करेंगे। विषय से हटके थोड़ा एक सवाल है, एक कमेटी की रिपोर्ट है खासतौर से चिकित्सा शिक्षा विषय समिति जिसमें विधानसभा के पटल पर रखी गई थी रिपोर्ट, से आपने कहा था कि रिपोर्ट की चर्चा भी होनी चाहिए, उसमें ब्लड बेचे जाने को लेकर आरोप है कि हरियाणा में जो ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा होता है उसकी खरीद फरोख्त हो रही है, तो उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से नैनपाल रावत हो या सीमा दर का, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि आगे भी चीजें इसमें स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है, बतौर विधानसभा स्पीकर आप क्या कहेंगे इस तरह की गंभीर रिपोर्ट आई है विधानसभा के पटल पर? नहीं देखिए, ये बड़ा एक गंभीर विषय है और जिसके ऊपर हमारी जो कमेटी की अध्यक्ष हैं श्रीमती सीमा त्रिखा जी, उन्होंने इसके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू की है और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के पश्चात उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक थोड़ा पंचकूला में 2-3 स्कूलों में दिक्कत चल रही है जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स से पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, कुछ स्कूल प्रदर्शन भी हुए हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर कोई भी ज़्यादा पैसे लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।